दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 3 गुना बढ़ गई कोरोना से मौतें राजस्थान में, अगस्त में अब तक आंकड़े चौंकाने वाले उड़ी नींद। महंगाई डायन खाए जात है देश में बेतहाशा महंगाई पर, 4 सितंबर को कांग्रेस का हल्ला बोल। मैच हारने लगे तो कर दी घटिया हरकत, ग्रामीण ओलंपिक में टीचर का इशारा मिलते ही स्टूडेंट ने कर डाला घिनौना का। अमेरिका वाले अपाचे से कहीं ज्यादा अपग्रेडेड है मेड इन इंडिया लड़ाकू हेलीकॉप्टर, करेगा चारों खाने चेक। दलित स्टूडेंट की मौत, क्यों जुटी करनी सेना, जालोर में आपस में लड़वा कर खुद की रोटियां सेकने वालों को करनी सेना की जुटी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में कोरोना के केस एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। अगस्त में अब तक के आंकड़े अगर देखें तो राज्य में 14,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं, 45 लोगों की मौत हो चुकी है। जुलाई की तुलना में अगस्त में पॉजिटिव केस 140% ज्यादा है, मौतों के मामले में 3 गुना बढ़ोतरी हो गई है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 218 नए केस आए हैं और 1 कोरोना मरीज की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 3,019 पर पहुंच गई है। महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और लोग लापरवाही पर उतर आए हैं। हालांकि पिछले एक सप्ताह में इन केसों में थोड़ी सी कमी देखने को जरूर मिली है और साप्ताहिक औसत पॉजिटिविटी रेट 3.5% से गिरकर 2.27% तक आ गई है, लेकिन अब भी जयपुर समेत अन्य शहरों में केस सामने आ रहे हैं। हेल्थ विशेषज्ञों का ये मानना है कि कोरोना केस बढ़ने के पीछे कारण बारिश के मौसम में होने वाली नमी है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण लोगों का मास्क पहनने की आदत छोड़ देना है। लोग अब हॉस्पिटल या अन्य दूसरी जगह जहां कोरोना फैलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वहां भी मास्क लगाकर नहीं आ रहे, जानलेवा लापरवाही बरत रहे हैं। राजस्थान में इस महीने की तुलना पिछले से की जाए तो चौंकाने वाले केस सामने आए हैं। राज्य में 29 दिन के अंदर कुल 14,011 नए संक्रमित केस मिले हैं, जबकि 45 मरीजों की मौत हो चुकी है। जुलाई के महीने में 31 दिन के अंदर 5,837 केस मिले, जबकि 15 मरीजों की मौत हुई। फरवरी के बाद अब अगस्त ऐसा महीना है जब प्रदेश में कोरोना केसों की संख्या 10,000 से ऊपर गई है। देश में कोरोना केस की संख्या के मामले में राजस्थान 10वें नंबर पर है। राज्य में इसी महीने कुल संक्रमित केसों की संख्या 13 लाख के पार हो गई है। राज्य में पिछले 2.25 साल के अंदर 13,08,288 केस मिल चुके हैं, जबकि 9,625 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के अलावा 13 लाख से ज्यादा केस वाली सूची में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है और इसके बाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, उड़ीसा है। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो CBSE के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है, संपर्क करें। कांग्रेस की 4 सितंबर को होने वाली महंगाई पर हल्ला बोल महारैली की तैयारियों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नियुक्त प्रभारी संदीप सिंह चौधरी ने उदयपुर में बैठक ली। संदीप सिंह बंजर भूमि और चरागाह भूमि विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं। बैठक में निवर्तमान जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला ने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं और जनमानस को दिल्ली में होने वाली महंगाई पर हल्ला बोल महारैली में लेकर जाना है। साथ ही आज से ब्लॉक स्तर पर ग्राम चौपाल करके लोगों को मोदी सरकार की बेतहाशा बढ़ाई गई महंगाई के प्रति अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जागरूक करना है। झाला ने कहा कि केंद्र के अहंकारी मोदी सरकार की विफल नीतियों का परिणाम है कि देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। जाला ने कहा कि मोदी सरकार न तो सदन में इसकी चर्चा करना चाहती है, ना ही इसे कम करने का प्रयास कर रही है। बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस महासचिव और पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गरासिया ने कहा कि उदयपुर से सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा, आज देश की आम जनता महंगाई से त्रस्त है और मोदी सरकार मस्त है। बैठक में संदीप सिंह चौधरी ने कहा कि आज देश के हालात आपके और हमारे सामने हैं, ऐसे में आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। केंद्र के अहंकारी मोदी सरकार ने आम आदमी के दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ाए हैं। चौधरी ने कहा कि हम मोदी सरकार पर दबाव बनाएं कि वह उन महंगाई को कम करने का प्रयास करे जो देश की, या फिर देश की सत्ता छोड़ दे। मोदी सरकार महंगाई को कम करने के लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठा रही और सिर्फ अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचा रही है। राजस्थान
प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजीव राज पुरोहित ने बताया कि संदीप चौधरी ने महारैली के लिए उदयपुर देहात की हर विधानसभा क्षेत्र के विधायकों और कांग्रेस प्रत्याशियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सुनील कुमार भजात, लक्ष्मी नारायण पंड्या, रामलाल गायरी, कौशल नागदा सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहते हैं कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, हार या जीत कोई मायने नहीं रखती, खेल खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बात शायद ग्रामीण ओलंपिक में खेलने वाले बच्चों और टीचर को कहीं ना कहीं समझ नहीं आई। राजस्थान में सोमवार से ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत हुई है। प्रदेश की 11,000 पंचायत में इसका आयोजन अक्टूबर तक होगा। इसी के तहत सोमवार को रूपवास इलाके के शकरपुर गाँव में स्कूल में कबड्डी प्रतियोगिता हो रही थी। पांडरी गाँव से 8वीं और 12वीं कक्षा की टीम शकरपुर गई थी। 8वीं क्लास की टीम ने शकरपुर की एक टीम को 50 पॉइंट से हरा दिया। पांडरी गांव के सरकारी स्कूल के 12वीं का स्टूडेंट दुर्गेश ये बताता है कि शाम करीब 4 बजे 8वीं कक्षा के बाद 12वीं कक्षा का मुकाबला हुआ। टीम 50 पॉइंट लेकर आगे चल रही थी, शकरपुर की टीम 20 पॉइंट ही बना पाई। आरोप है कि शकरपुर स्कूल के टीचर धर्मों को यह बात नागवार गुजर गई। टीम को हारता देखा तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इशारा किया और इसके बाद 7 और 8 नंबर के खिलाड़ी ने वहां रखी लोहे की कुर्सी दुर्गेश के सिर पर दे मारी। दुर्गेश लहूलुहान हुआ। शकरपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल जल सिंह ने बताया कि 81 पॉइंट का डिफरेंस था। 81 पॉइंट से शकरपुर की टीम जीत रही थी और मैं जहां बैठा था मेरे सामने की तरफ धर्मू टीचर बैठे थे। किस खिलाड़ी से क्या कहा वह मैंने नहीं सुना। कबड्डी के मैच में शकरपुर टीम का खिलाड़ी जैसे ही रेड देने गया तो पांडरी गांव की टीम ने उसे पकड़ लिया। इतने में दूसरे खिलाड़ी ने रेड की, तभी खिलाड़ियों को लगा कि पांडरी गांव की टीम उन्हें पीट रही है। कुछ देर अफरा तफरी मैदान में मच गई और बाहर खड़े लोग मैदान में आ गए। जब हम मैदान में पहुंचे तो पता लगा कि खिलाड़ी के सिर से खून निकल रहा है। दुर्गेश के बड़े भाई नेक सिंह बताता है कि घायल दुर्गेश को रूपवास हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने 10 टांके लगाए। सोमवार शाम करीब 7 बजे रूपवास थाने में आरोपी दोनों खिलाड़ियों पर FIR करा दी गई। धर्मू नाम के टीचर के इशारे पर स्टूडेंट्स ने हमला किया था। अफसोस की बात यह है कि वहां मौजूद टीचर्स ने किसी को भी रोकने की कोशिश तक नहीं की। एयरफोर्स के बेड़े में पहली बार देश में बना लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल होने जा रहा है। खास बात यह है कि हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन की तैनाती जोधपुर में की जाएगी। LCH हवा से हवा में और हवा से जमीन पर गोलियों से लेकर मिसाइल तक दाग सकता है। दुश्मन के हमले पर यह पायलट व गनर को अलर्ट भी कर देगा। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के अवसर पर यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। एक स्क्वाड्रन में 12 हेलीकॉप्टर होते हैं। LCH का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से किया गया है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि जोधपुर एयरफोर्स में कितने हेलीकॉप्टर शामिल होंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि करीब 10 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिल सकते हैं। जोधपुर में इसकी तैनाती के साथ ही पश्चिमी सीमा पर एयरफोर्स की मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अमेरिका में निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे से कहीं ज्यादा अपग्रेडेड है। सबसे पहले यह जानिए कि LCH बनाने की शुरुआत कैसे और क्यों हुई। 1999 करगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हुई। यदि उस दौर में ऐसे हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठी पाक सेना के बंकरों को उड़ा सकती थी। जोधपुर में वर्तमान में फाइटर जेट सुखोई की एक स्क्वाड्रन तैनात है। नवनिर्मित फलौदी एयरबेस पर M-17 के अपग्रेडेड वर्जन के हेलीकॉप्टर की एक स्क्वाड्रन है। ऐसा माना जा रहा है कि LCH की नई स्क्वाड्रन की तैनाती फलौदी में ही की जाएगी। अब जानिए दूसरे विमानों से कितना अलग और खास है LCH। वर्तमान में एयरफोर्स रूस निर्मित अटैक हेलीकॉप्टर MI-25 और MI-35 काम में ले रही है। इनकी क्षमता कम है। एयरफोर्स की योजना MI-25 को फेज आउट पर रिटायर करने की है, जबकि MI-35 में कुछ सुधार कर उसकी क्षमता बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में कई खूबियां हैं। यह वजन में तो हल्का है लेकिन भारी हथियार ले जा सकता है। इसके अलावा दिन या रात किसी भी वक्त अपना टारगेट हिट कर सकता है। लेह और लद्दाख जैसी काफी ऊंचाई वाली क्षेत्रों में इसकी मारक क्षमता काफी घातक है। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से आयात होने वाले 101 रक्षा उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन्हें अब देश में ही तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। इसका मकसद देश के रक्षा बाजार को मजबूत करना है। इन उपकरणों को तैयार करने में रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी DRDO की मदद ली जाएगी। झालोर के सुराना गांव में छात्र इंद्र मेघवाल की मौत का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ। झालोर में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने कलेक्ट्रेट की तरफ कूच किया। हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर लोग कलेक्ट्रेट के घेराव करने पहुंच गए। उधर प्रशासन की ओर से प्रदर्शन स्थल से लेकर कलेक्ट्रेट तक रास्ते में जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए। इससे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी ने लोगों को संबोधित
संबोधित करते हुए कहा कि हम यहां ताली बजाने या दो चार घंटे बैठने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने दो बार कलेक्टर और एसपी प्रदर्शन स्थल के मंच पर आकर ज्ञापन देने का अल्टीमेटम दिया और नहीं आने पर हजारों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट कूच करने की चेतावनी दी, लेकिन कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया। इस पर अब सभी लोग कलेक्ट्रेट कूच कर गए। सुबह प्रदर्शन और रैली के लिए हॉस्पिटल चौराहा पर मल्केश्वर महादेव मठ में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई। इसके अलावा मृतक स्टूडेंट्स के पिता और आरोपी टीचर का नार्को टेस्ट करवाकर जल्द से जल्द मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग की गई। इसके अलावा बड़गांव के विनेश चौधरी के हत्यारे मंगेश मेघवाल को सख्त सजा दिलाने और सरकार और प्रशासन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में छुआछूत के आरोपों का खंडन करने की मांग की है। राज्य सरकार इस मामले में दोनों समाजों को लड़ाकर खुद की रोटियां सेकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सुराणा प्रकरण में हर तरफ जातिवाद और छुआछूत के कारण स्टूडेंट को पीटने की बात कही जा रही है। बिना जांच के ही इस तरह के आरोप लगाकर झालोर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। मामले की जांच के बाद ही कोई आरोप लगाया जाना चाहिए। इससे पहले किसान नेता विक्रम सिंह पुनासा ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार से मामले की जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कर खुलासा करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर छैल सिंह को न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि अब हम शांति से बैठने वाले नहीं हैं, हम क्रांति करनी भी आती है, हमें इतना मजबूर मत करो कि हम कानून हाथ में लें। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।